सलातो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैस एनिमेशन एंड कोडिंग। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो CSS में फ्लक्स को यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स को हर एक बंदा यूज़ करता है हर एक चीज़ के लिए और वो बहुत काम का है। उसके लिए एक गेम बनाई गई है फ्लक्स बॉक्स फ्रोगी के नाम से। तो इसके 24 लेवल होते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी ने ये 24 लेवल कर लिए और समझ लिए और बहुत ही आसान है गेम की तरह, तो वो फ्लैक्स को अच्छे से समझ लेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। कभी अभी हम देखते हैं कि डब्बे वगैरह बने हुए होते हैं, उनको नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्रोग बना हुआ है नज़र आ रहा होगा। तो इस फ्रोग को इस ग्रीन वाले पत्ते के ऊपर रखना है। तो आप फ्लैक्स को कैसे यूज़ करेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा बताऊंगा, 24 लेवल पूरे कंप्लीट करके दिखाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ पड़ेगा आपको। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं इसको शुरू करता हूँ तो आप देखिएगा कि इस फ्रॉक को इसके ऊपर बैठाना तो कि ये कैसे बैठेगा। अब देखें यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, देखें ये अभी स्टार्ट पर है, ऊपर वाली चीज़ स्टीट है स्टार्ट है और जो आखिरी वाली है वो एंड है। तो आपने सबसे पहले लिखना होगा जस्टिफाई कॉन्टेंट, तो जस्टिफाई कॉन्टेंट्स के बाद आपको क्या चीज़ करनी है। फ्लैक्स इसमें इस्तेमाल होगा, ऊपर देखें इसमें ना हिंट भी दी हुई है, फ्लैक्स स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन अराउंड, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसी स्टार्ट में तो उसको एंड में लेके जाना है, तो हम लिखेंगे फ्लैक्स एंड। तो ये देखें ये पहला लेवल कंप्लीट हो गया, इसमें आप सेमी कोलन वर्ब लगाएंगे जब आपकी दूसरी लाइन होगी। अभी तो मेरी एक ही लाइन थी, देखें ये इस तरफ चलेगी। आप देखें लेवल वन कंप्लीट हो गया, लेवल टू में जाते हैं। तो अब लेवल टू के लिए नेक्स्ट दबाएंगे तो लेवल टू आ गया। अब इसमें है जस्टिफाई कॉन्टेंट, अभी देखें इसमें ना ये दो फ्रॉक दे दिए हैं, येल्लो वाले को येल्लो में बिठाना है, ग्रीन वाले को ग्रीन में बिठाना है। तो सिंपल ही है, इसमें जो है लगेगी फ्लैक्स की जो है फ्लैक्स जो मैंने आपको बताया था जस्टिफाई कॉन्टेंट। तो अभी देखें ये इसको अगर हम बीच में कर लें सेंटर में कर लें तो ये बिल्कुल पहुंच जाएगा। मैं अगर इसको एंड में करूंगा तो ये दो ये यहाँ पर ग्रीन वाला यहाँ आएगा येलो वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं सेंटर पे कर लूँ तो मैं अभी लिखता हूँ और आपको ना ये जस्टिफाई कंटेंट जो है वो उसको कॉपी कर लेना है। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ क्योंकि बार बार ये यूज़ होगा आगे। अब इसको आपने करना है सेंटर में, तो सेंटर में आप सेंटर जैसे ही लिखेंगे तो ये देखें सेंटर में आ गया, तो ये गेम कंप्लीट हो गई। अब कभी देखते हैं ना कि पिक्चर को आप इस तरफ लेके जाएं तो बहुत आसान होता है उसके लिए। तो अब आप देखें नेक्स्ट दबाया आपने तो ये दूसरी ये तीसरा लेवल खुल गया। अब इसमें देखें तीन है, रेड वाले को रेड में बिठाना है, येलो वाले को येलो में और ग्रीन वाले को ग्रीन में। तो इसमें जो कैटेगरी जो इसमें कैटेगरी यूज़ होगी वो ये है, इसमें देखें स्पेस अराउंड लगेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ स्पेस अराउंड क्या है। देखें इसके बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, येलो और ग्रीन के बीच में स्पेस है, रेड और येलो के बीच में स्पेस है। तो ये स्पेस की वजह से लगेगा, आप देखें स्पेस ज़्यादा है लेकिन मेरे मैं जो मेंढक है उसमें स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आऊँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको स्पेस लाने के लिए आप देखें जो मैंने कॉपी कर रखा था आपने वही पेश करना है यहाँ पर, और पेश करने के बाद आपको स्पेस अराउंड लिखना है। आप देखें मैं लिखता हूँ और अच्छा एक गलती आप मेरे से भी होती है बार बार, आप भी होगी आपसे भी होगी। तो यहाँ बीच में ना माइनस लगाना आपने, देखें हो गया। ये हुआ कैसे, फासला बहुत ज़्यादा था तो फासला इसका बहुत ज़्यादा था, तो देखें आपने यहाँ पर जब ये किया है और येलो और रेड है ना इसका फासला ज़्यादा हो गया तो ये अपनी जगह में बैठ गया। अब मैं इसको नेक्स्ट बटन दबाता हूँ तो ये मेरा चौथा लेवल खुल जाएगा। अच्छा चौथा लेवल कंप्लीट करने के लिए अभी देखिए इसमें ज़्यादा वो है, ज़्यादा फासला हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया और इसमें देखें कितना कम है। तो इसमें जो कैटेगरी यूज़ वो है स्पेस बिटवीन। अब बिटवीन क्यों आया क्योंकि ये देखें दरमियान में, देखें इसमें स्पेस बिटवीन की कैटेगरी यूज़ होगी और स्पेस बिटवीन अब जैसे अभी जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था आप वो कॉपी पेस्ट करें, स्पेस बिटवीन लिखते हैं ना, स्पेस बिटवीन लिखा है तो हुआ है, स्पेस अराउंड लिख के देखता हूँ आपके सामने। तो देखें आपने स्पेस अराउंड में कम स्पेस आ रहा है, आपने देखा स्पेस अराउंड में जो है पूरा फिक्स नहीं आ रहा क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेस देता है लेकिन स्पेस बिटवीन फुल स्पेस देता है। तो स्पेस बिटवीन इसमें लगेगी, आप ही चेक कर लिएगा जब आप रिप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी किसमें लगेगी। और अब ये है लेवल 5, तो अब जो है लेवल 5 है, तो लेवल 5 में ये भी बहुत इजी है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है स्टार्ट में वो नीचे वाला क्या है एंड में, ठीक है। अब लेवल 5 में एक नई चीज़ आई है, पहले क्या था जस्टिफाई कंटेंट, अगर जस्टिफाई कंटेंट में और फ्लैक्स एंड लिख दूंगा तो वो उस तरफ चले जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल के लिए काम आता है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस चीज़ को और वर्टिकल कहते हैं यूं इस चीज़ को। तो अब अलाइन आइटम्स जो है वो वर्टिकली के काम आएगा, तो बिल्कुल दोनों सेम ही है, बस हॉरिजॉन्टल और उसका फ़र्क है। तो अलाइन आइटम लिखते हैं और उसके बाद
मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेक्स एंड आइटम्स, और यहाँ पर आपने लिखना है ये दौड़ लगाने और फ्लक्स। तो ये देखें ये आ गया। अगर मैं अलाइंग आइटम की जगह मैं लिखता जस्टिफाई कंटेंट, तो होता ये कि मेरा जो कंटेंट होता ना वो सब चल जाता। अब आपने ना विंडो प्लस वी दबा करना चेक कर लेना जो आपने कॉपी किया। अभी देखें मैं अलाइन आइटम को भी कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ बार बार होगा आगे। देखें जो चीज़ नहीं आएगी ना उसका यूज़ बार बार होता रहेगा। इसको कॉपी कर लेना आपने और नेक्स्ट दबा देना। ये तीन ये आपका लेवल फाइव हो गया। लेवल सिक्स आ जाएंगे। लेवल सिक्स में है जस्टिफाई कॉन्टेंट और अलाइन आइटम दोनों यूज़ करो। अब दोनों के लिए मैंने क्या कहा था, ये होगा ये जो फ्रॉग है ये जाएगा इस तरफ, ये क्या है हॉरिजेंटल है, और वर्टिकल के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो वो नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें एंड करना पड़ेगा, लेकिन एंड तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड। तो अब आप क्या करेंगे बिटवीन, अब इसको जो है ये है लेवल सिक्स, तो इसमें आपको करना होगा सेंटर, ये देखिए बीच में सेंटर में और दूसरा वाला भी सेंटर में। अब इसको मैं सेंटर में करूँगा हॉरिजेंटल से तो यहाँ आ जाएगा, अलाइन से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैंने जो कॉपी कर रखा था, अब मैं पहले इसको हॉरिजेंटल में, आपकी मर्जी हॉरिजेंटल में लेके आए या वर्टिकल में लेके आए। तो पहले मैं इसको लेके आ जाता हूँ हॉरिजेंटल में, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेंटर सेंटर, ठीक है ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर भी सेंटर कर देंगे, देखिए ये आ गया, क्योंकि पहले हमने हॉरिजेंटल में किया वर्टिकल में किया, बहुत ईजी है, बहुत आसान सी गेम है। अच्छा नेक्स्ट करें तो लेवल सेवन आ गया। तो लेवल सेवन में तीन दिए हुए, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन जो है बड़े गैप के लिए आता है। देखिए ये बड़ा गैप नहीं है, अगर ये यहाँ होता ना, ये बीच में है, ठीक है, ये यहाँ होता बिल्कुल, तो फिर ये बिल्कुल काम करता। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पेस अराउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है कि कह रहा है कि जस्टिफाई कॉन्टेंट जो स्पेस अराउंड में शुरू होगी, और अलाइंग आइटम, अलाइंग आइटम क्यों यूज़ करेंगे, मैंने कहा था आपको वर्टिकल के लिए, क्योंकि इसको नीचे लेके आना है, और अलाइन आइटम में क्या लगेगा, एंड लगेगा, शुरू में आपको मैंने बताया था। तो आप पहले जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट लिखा, मुझे क्या लेके आना है इसको स्पेस अराउंड में करना है। पहले मैं इसको एक काम करता हूं, पहले मैं ना आपको ना अलाइन आइटम कर लेता हूं, अलाइन आपके लिए आसान हो जाएगी। अलाइन आइटम किया मैंने, अब मुझे इसका क्या करना है, इसको लेके आना है फ्लेक्स एंड। तो ये देखा फ्लेक्स एंड नीचे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, अब आपको उसमें दबाना है और जस्टिफाई कंटेंट के लिए यहाँ पर आप कर देंगे स्पेस अराउंड। तो ये देखें बिल्कुल कंप्लीट आ गया है। ये बहुत मज़ेदार गेम है यार, बहुत आसान गेम है। तो लेवल एट में चलते हैं, बहुत आसान है। लेवल एट में आते हैं, तो लेवल एट में अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो है आपको फ्लेक्स डायरेक्शन, ये नई वैल्यू आई है, ठीक है, हर एक में एक नई वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो ये है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब इसमें क्या करना है, अब आप गौर से देखें कि ना ग्रीन रेड पहले है, रेड का पत्ता येलो का पत्ता उसके बाद में, और ग्रीन का पत्ता सबसे आखिरी में, लेकिन यहाँ पर ग्रीन सबसे पहले आ रहा है। तो आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। पहले मैं आपको रिवर्स बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको तरतीब से लेकर आएंगे इस जगह पर। तो इस जगह में तरतीब से कैसे लेके आएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन बता रहा है तो रो कर देंगे, क्योंकि ये रो कॉलम नहीं है, कॉलम ऐसा होता है, रो ऐसे होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, आप इसको भी कॉपी कर लेना क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ये कॉपी किया, अब आपने क्या कर दिया, रो किया, अब रो में जाना, कॉलम में जाना होता तो समझ आती है, अब रो के में क्या करना है आपको, रिवर्स कर देना। दो हो गया, रिवर्स से क्या हुआ, जो ग्रीन वाला था वो, देखिए मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाता हूँ, ये देखें काटा मैंने, जो ग्रीन था वो जो पहले था, लेकिन इसको पत्ता बाद में था, तो हमें रिवर्स करना था। और कॉलम में, अगर कॉलम रिवर्स करता भी इसके बाद वो आएगी कॉलम वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने कॉपी किया, अब ये आएगा, देखें ये आ गया कॉलम में। अब इसको वहाँ पेस्ट कर दिया, रो रिवर्स में वहाँ चले गया, नहीं इसको यहाँ पर करना है कॉलम रिवर्स, तो आ गया। अब ये देखें इसका रिवर्स, हमें रिवर्स इसमें रिवर्स कैटेगरी यूज़ नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि ये देखें ग्रीन है, येलो उसके बाद है, रेड उसके बाद है, तो रिवर्स हटा देंगे। तो ये अभी बिल्कुल जगह पर आ गया, क्योंकि जो उसमें थी उसमें रिवर्स करनी थी आपको, अभी आगे रिवर्स वाले शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें ये क्या कह रहेगा, मैंने कहा था ना आपसे रिवर्स वाले शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये खुद कह रहा है फ्लेक्स डायरेक्शन भी लगेगी पहली लाइन में, दूसरी लाइन में जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या लगेगी, इसको हमने रिवर्स करना है, तो रॉ रिवर्स ये हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको मैंने सेमीकोलन लगाना है। आप दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट इसमें लगेगा, जस्टिफाई कंटेंट ये रहा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में क्या लगेगा, इसको देखें बिल्कुल सही है, लेकिन इसको इधर लेके आना है। तो जस्टिफाई कंटेंट में क्या लगेगा, ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट ये यहाँ से था। अभी देखिए मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये अब हो गया, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से यहाँ पर एंड है, तो यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पर एंड है, तो ये पहले ही एंड था, तो हमने स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर एंड किया। तो ये इसलिए जहाँ जिस जगह पर होगा दूसरी जगह उसकी ऑपोजिट जो चीज़ होगी वो एंड होगी, ठीक है। अभी चलते हैं,
लेवल 11 हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन फरोग हैं और इसमें हमें ये कह रहा है कि फ्लैग डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। तो अब ये देखें तीन फरोग हैं और इसको हमने नीचे लेके आना है। तो आप इसमें कंडीशन देख लें, इसमें जो लगेगी पहले हम लगाते हैं फ्लैग डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लैग डायरेक्शन को यहाँ से कॉपी करें या पेस्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है फ्लैग डायरेक्शन लगेगी। अब देखें ये अभी है रॉ में, तो इसको हम लेकर आएंगे पहले कॉलम में। ऐसा कॉलम में लेके आने के बाद इसमें हमें वो कह रहा है जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। तो जस्टिफाई कॉलम में पहले मैं कॉलम में लेके आता हूँ, सी ओ एल यू एम एन। कॉलम में आने के बाद अभी देखिए ये स्टार्ट पर है, तो हम इससे क्या करेंगे जस्टिफाई कंटेंट से इसको एंड में कर देंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ से लेता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट मैंने ले लिया है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पहले ताकि आगे जाके हमें ना आसानी हो। वैसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब इसको स्टार्ट में है, तो उसको हम क्या कर देंगे फ्लैक्स एंड। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट दबाते हैं लेवल 12। तो लेवल 12 में अभी देखें, इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए हो तो क्या कहते हैं स्पेस बिटवीन लगाते हैं, अगर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हो तो क्या लगाएंगे स्पेस अराउंड लगाएंगे, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में, ठीक है। इसकी तो मैंने फुल कर दी। अब फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या लगेगा, तो लेवल 12 है, इसमें क्या है कि ये रोम है, तो उससे पहले कॉलम में करेंगे। कॉलम में तो कर लेंगे, लेकिन अब देखें रेड के ऊपर ग्रीन है, तो ग्रीन जो होगा रेड के ऊपर आ जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। तो पहले हम फ्लैक्स डायरेक्शन लगा लेते हैं, पहले हम फ्लैक्स डायरेक्शन लगाते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, ये रोम है तो हम इसको कॉलम में कर लेंगे। कॉलम में करने के बाद इसको हम कर देंगे रिवर्स। रिवर्स कर दिया आपने, अभी बिल्कुल ठीक है, तरतीब से आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे किसमें, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन में। अब मैंने आपको बता दिया था कि स्पेस बिटवीन किस लिए यूज़ होता है। अब देखिएगा, देखिए स्पेस बिटवीन आ गया। अब मैं स्पेस अराउंड दबाऊंगा तो यहाँ मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पर येलो अपनी जगह थोड़ा सा हिल जाएगा और रेड जो है पीछे आ जाएगा। देखना अभी मैं करता हूँ, तो देखें थोड़ा सा पीछे पीछे आ गया। तो ये होता है अराउंड और बिटवीन का फ़र्क। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। लेवल नंबर 12 हो चुका है, अब लेवल नंबर 13 की बारी है। अब इसमें क्या कह रहा है, लेवल नंबर 13 में फ्लैग डायरेक्शन कह रहा है, लेवल नंबर जस्टिफाई कंटेंट्स और क्या कह रहा है अलाइंग एटम और फ्लैग डायरेक्शन, ये तीनों लगेंगी इसमें। तो पहले हम लगाते हैं फ्लैग डायरेक्शन, ठीक है। अब एक देखें, ये है भी रो में, इसको कॉलम में लेके आएंगे, जाहिर सी बात है इसको रिवर्स भी करेंगे क्योंकि रेड इधर आना चाहिए। दो काम हो गए, तीसरी बात ये स्टार्ट में तो एंड में करेंगे, तो ये तीनों काम डायरेक्शन इसमें आएगी। अब देखें पहले हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट में आएगा सेंटर, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स में क्या लगेगा फ्लैग डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ से कॉपी की, यहाँ पेस्ट की, यहाँ पर लगाया, फ्लैग डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगा रिवर्स। तो ये मैं यहाँ पर करता हूँ, तो रो रिवर्स आ गया, ठीक है, रो रिवर्स में हमने कर लिया। अब इसको डायरेक्ट नीचे लेके आ जाएंगे, तो उसको नीचे लेके आने के लिए क्या करेंगे, अलाइंग आइटम। अलाइंग आइटम यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। अलाइंग आइटम कॉपी किया, आइटम्स होगा, ठीक है, ऐसा लाजमी होना, ये काम नहीं करेगा। तो अलाइंग आइटम में जो है फ्लैक्स एंड आ जाएगा, एंड देखिए ये आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जस्टिफाई कंटेंट में भी हमने फ्लैक्स एंड काफ़ी बार लिखा है, ठीक है, इससे पहले भी हमने जो है जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन फ्लैक्स एंड लिखा है, अलाइंग आइटम में हमने क्यों लिखा। तो अभी आप देखेंगे मैं जस्टिफाई कंटेंट को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ क्या होता है, देखिएगा। इसने हमें हिंट दी है लेकिन फिर भी हम करते हैं, ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, कॉपी यहाँ आकर पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये देखिए नहीं हो रहा, क्योंकि अलाइंग आइटम इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे हम लेके आना चाहें, तो रॉ से रिवर्स किया है तो अलाइंग आइटम लाजमी इसमें शो होगा। मैं इसको कंट्रोल जेड दबाकर चेंज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं, तो लेवल नंबर 14 शुरू हुआ था, मैं जल्दी जल्दी से खत्म करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी जो है ना फ्लैक्स फ्रॉग में जो है यही है। अब देखें इसमें क्या कह रहा है, ग्रीन अपनी जगह पर है लेकिन रेड जो है अपनी जगह पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए सबसे आसान है, इसमें लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखा। अब देखिए हमने ऑर्डर, ये क्या कह रहा है, डॉट येलो और ब्रैकेट लगा दिए, क्या लिखा है डॉट येलो, ठीक है, येलो को हमने चेंज करना है, तो येलो कौन सा है, गेरा येलो फ्रॉग है, तो हम इसमें क्या कर देंगे एक प्लस कर देंगे, यहाँ जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ वन करूंगा, देखा हो गया, मैं यहाँ माइनस वन करके देखता हूँ, देखिएगा माइनस वन, तो ये ग्रीन की जगह में आ जाएगा, आ गया, तो ये इसलिए काम आता है। अभी देखिए आगे ये बहुत ईजी है, इसमें ऑर्डर लगेंगे। अच्छा लेवल नंबर 15 आ चुका है, तो ग्रीन अपनी जगह पर ठीक है। अच्छा ये
ठीक है, ये रेड जो है, रेड देखें, रेड रेड जो है पी जगह में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -3। तो ऑर्डर ऑर्डर लिखता हूं मैं, -3। तो ये अपनी जगह पर हो गया। लेवल नंबर 16 में चलते हैं। तो अभी क्या कह रहा है, अलाइन सेल्फ और अलाइन एटम दोनों इसमें यूज होगा येलो में। अब ये अलाइन एटम तो मैं आपको बताया था कि नीचे लाने के लिए, फ्लैक्स एंड के लिए। अलाइन सेल्फ में क्या है, ये तरतीब से होकर करेगा, खुद ब खुद करेगा। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेवल नंबर 16 है, इसमें जो है अलाइन। अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो दो लाइनों में करना था, क्योंकि अलाइन सेल्फ और अलाइन एटम के लिए, तो अलाइन एटम के लिए यूज होता है। तो अगर हम दो, जो ये दो लाइनों का जो सवाल था ना, जवाब था, वो हमने एक ही लाइन में कर दिया। अलाइन सेल्फ इसलिए काम आता है, ये थोड़ा ऑटोमेटिक है, दो लाइनों को एक लाइन में कर दिया इसने। वरना पहले क्या करते, आप पहले इसको नीचे लेकर आते, क्योंकि सेंटर में भी करना था। तो ये दो लाइनों का काम इसने एक लाइन में करके दिखा दिया, हमें जगह भी एक लाइन की दी है इसने। तो लेवल नंबर जाते हैं, लेवल नंबर 17 में। तो मैं भी लेवल नंबर 17 जो है इसमें क्या कह रहा है कि हमें ऑर्डर और अलाइन सेल्फ लगाना है, ठीक है, लेवल नंबर 17 में। तो ऑर्डर को आपको मैंने बता दिया था कि देखें ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने दो बार आगे लेके चल जाना है। किसका है, येल्लो। तो येल्लो को दो बार आगे ले जाएंगे तो ये पीछे खुद ब खुद आ जाएगा। फिर उसके बाद अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड कर देंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ, ऑर्डर पर लिखते हैं। पहले ऑर्डर मैं समझा देता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर किया मैंने और इसमें क्या करती है मैंने टू, देखिए टू किया क्योंकि दो बार आगे चलेगी अब फ्रॉग। अब इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे और उसमें लिखेंगे अलाइन सेल्फ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा तो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लगाया फ्लैक्स एंड, ठीक है, हो गया। तो ये काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी गेम है। आपको ना अल्लाह करे ऐसी गेम है ना, हर एक चीज़ में बने, CSS हो या HTML में हो, ये काफ़ी इजी गेम थी। और ये कंप्लीट हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, लेवल नंबर 18 में कह रहा है आपको एक नई चीज़ आई है, रैप। अब रैप जो है देखें, पीछे जो बैकग्राउंड देखें उसमें कितने पाँच हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे जो है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब इसको तरतीब से कर देगा वो, क्योंकि जब आप फ्लैक्स, जब रैप आप यूज़ करेंगे तो ये तरतीब से, जब शुरू में आप करेंगे ना CSS में, तो सारी एक ही लाइन में आ जाएंगी, चाहे पीछे बैकग्राउंड में कितनी भी चीज़ें कुछ ना हो। तो आप इसको रैप करेंगे और रैप रिवर्स उल्टा कर देगा। अब देखिए इसमें उल्टा करने की कोई हाजत नहीं है, येलो पहले ग्रीन 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 और फिर जाकर रेड, ग्रीन ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक लाइन में आ जाएगा, रिवर्स नहीं करना इसमें हमने। तो लेवल नंबर 18 में क्या है, फ्लैक्स। अच्छा इसमें अब आगे जो आएंगी ना उसमें रिवर्स करना होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स काफ़ी ईजी है। लेवल नंबर 19 शुरू हो चुका है, अब देखें अब आ गया। पहले तो ये देख लें कि ये रो में, इसको हम कॉलम में करेंगे। दूसरी चीज़, इसको हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पर है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेवल नंबर 19 में है, ये दो लाइनों में आएगा, खुद ही कह रहा है फ्लैक्स डायरेक्शन जो हम करेंगे कॉलम में, और फ्लैक्स रैप कर रहे हैं। तो फ्लैक्स डायरेक्शन पहले कर लेते हैं हम, फ्लैक्स डायरेक्शन ये थी फ्लैक्स डायरेक्शन, यहाँ पर हमने ये दबाया। अच्छा तो इसका क्या करेंगे हम, फ्लैक्स डायरेक्शन का कॉलम, ये कॉलम में हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, वही जो मैंने आपको बताया था फ्लैक्स रैप, यहाँ से कॉपी किया हमने, रैप आया, बिल्कुल हो गया। क्योंकि कॉलम में करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, और रैप करने के लिए हमने तरतीब से करने के लिए उसने इसको तरतीब से कर दिया। अब इसके बाद लेवल नंबर 20, ठीक है, लेवल नंबर 20 में है कि ये कह रहा है कि इसमें जो यूज़ होंगी, अब देखिए मैं आपको ये पढ़ने की हाजत नहीं है, आप खुद देखें ना, आप ये रो में तो उसको कॉलम में करेंगे, कॉलम में करने के बाद अब इसमें देखें ये वही सीन है, बस एक लाइन में आ जाएगा इसका। लेकिन जो दो लाइनों में आ रहा था आपने देखा ना, पिछली जो मैंने की है वो दो लाइनों में आई थी, ये इसको एक लाइन में करना है। तो एक ही लाइन में क्या करेंगे, ये देखें, फॉर एग्जांपल क्या कर रहा है, फ्लैक्स फ्लो रो रैप, लेवल नंबर 20 है। तो लेवल नंबर 20 में क्या कर रहा है, फ्लैक्स प्रो लिखेंगे हम, ठीक है, कॉलम, क्योंकि रो में खुद है तो कॉलम, उसने मिसाल दी थी, लेकिन मिसाल सही दी थी उसने, लेकिन थोड़ी सी अलग करके दी थी ताकि हम देख कर ना करें। माइनस नहीं लगाना, वरना कभी कभी लगाना, लेकिन इसके आगे नहीं लगाना। वैसे हमने 12 लगाया पीछे जितनी भी है, तो उसके आगे नहीं लगाना, आगे चलते हैं। तो लेवल नंबर 21, लेवल नंबर 21 में एक लाइन है, पहले बता दिया उसने। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो कह रहा है कि इसको आप जो है अलाइन कंटेंट करें, और ये अभी देखिए ये कहाँ पर है, एंड में, कुछ एंड में, कुछ इसको बीच में लेके आ जाएंगे किसी तरीके से। तो उसको हम अलाइन कंटेंट करते हैं, वो खुद सवाल में कह रहा है, ठीक, फ्लैक्स ये जो होगा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट, START, फ्लैक्स स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये तरतीब से अलाइन ने तरतीब से कर दिया, और ये जो एंड में भी था कुछ, इसको पूरा स्टार्ट में लेके चले गया, कुछ एंड में भी थे ना यहाँ पर था, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखें ये कुछ एंड में भी है, ये बीच में, ये सबसे ऊपर, ये सही है अपनी जगह पर। तो इसको स्टार्ट में तीनों को एक साथ ले गया, और अलाइन कॉन्टेंट ये इसलिए काम आता है। आगे चलते हैं, लेवल नंबर 22, सबसे मुश्किल लेवल, लेवल नंबर 24 है, जिसमें हर चीज़ यूज़ होगी। फ्लैक्स एंड था,
तो फ्लैक्स स्टार्ट कर देंगे, जिससे इसको उल्टा कर देंगे। देखिए अभी देखिए लेवल नंबर है 22, तो फ्लैक्स स्टार्ट किया था पहले हमने, इसको फ्लैक्स एंड कर देंगे। ठीक है, तो इसका लैंग कंटेंट को हमें कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो ये फ्लैक्स एंड हो गया, ये वही है बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था। अच्छा लेवल नंबर 23 आ गया, लेवल नंबर 23 में दो लाइन यूज होंगे, वो क्या कह रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन और लैंग कंटेंट दोनों यूज होंगे इसमें। ठीक है, अब पहले तो आप देख लें कि ये ना रॉ में हमें कॉलम में चाहिए, पहला आ गया डायरेक्शन खत्म हो गया। लैंग कंटेंट क्या करेगा, तरतीब से कर देगा। अब जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कॉपी कर लेता यार। अच्छा इसको पहले हम करेंगे कॉलम, कॉलम करें, कॉलम कर दी है। लेकिन देखें येलो वाली चीज़ ऊपर ऊपर है और रेड वाली चीज़ नीचे है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स, रिवर्स किया, आप सही हो गई। अब इसको क्या कर देंगे, ये जो है फंसे हुए नहीं है आप देखेंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में कर देंगे, क्योंकि सारे कुछ एंड में कुछ स्टार्ट में है, तो हम सेंटर में करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन, मैं यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन कॉपी करता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन ये यहाँ से कॉपी की मैंने, इसको क्या कर देंगे हम सेंटर, सॉरी यहाँ पर ना, सॉरी यार ये लाइन कंटेंट है, लाइन कंटेंट पकड़ेंगे और इसको हम कर देंगे सेंटर। तो ये हो गया लेवल नंबर 24, मुश्किल है काफ़ी। इसमें पांच चीज़ें यूज़ होंगी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी पढ़ाई हैं हर एक चीज़ यूज़ करेंगे, 8 चीज़ें। ठीक है, तो इसमें पहले आप देख लें कि इसमें हम कॉलम भी यूज़ करेंगे, कॉलम में आएगा, कॉलम में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कॉलम में आने के बाद ये जो है देखें रिवर्स भी होगा, क्योंकि रेड ऊपर आ जाएगा, येलो तो नीचे हैं फिर भी, तो रिवर्स होगा येलो के साथ। और इसमें देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले हम करते हैं फ्लैक्स, पहले हम करते हैं यहाँ पर जो है जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है, तो जस्टिफाई कंटेंट करते हैं पहले, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट। पहला जो है जस्टिफाई कंटेंट है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको सेंटर करेंगे पहले। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमने लिखा सेंटर। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा सेंटर मैंने क्यों किया है, जब मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको, फ्लैक्स फुलो पहले मैंने क्या कहा था आपको, कॉलम में होगा, COLUMN कॉलम में किया। अब कॉलम में इस तरफ हुआ है, मैंने कहा था कि जो रेड वाला है वो नीचे भी आएगा, ठीक है, और ये उस तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स किया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसको रैप करेंगे, क्योंकि रैप तरतीब से करता है, तो तरतीब से करने के लिए आपने बीच में कुछ नहीं लिखना, वरना आपको पता है कि ये रैप भी रिवर्स कर देंगे, क्योंकि लिखा था मैं आपको, देखिए अब रैप रिवर्स हो गया, क्योंकि रैप ने तरतीब से किया है और कॉलम रैप ने इसको यहाँ से उठाकर वहाँ रखा है। ठीक है, अब ये जो येलो बच गया है, सिर्फ एक चीज़ बच गई है, इसको हम क्या लेके जाएंगे एंड में, तो अलाइन कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन, ये बस ये लगेगा, अलाइन कंटेंट लगेगा इसमें। तो मैं यहाँ से दबा देता हूँ अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट, स्पेस बिटवीन के बीच में आप माइनस लगाएंगे, तो ये हो गया। अब देखें ये चार लाइनों में आना था, वेब का हमने आगे ही लगा दिया, ये चार लाइनों का था, हमने वेब आगे लगा दिया उसकी कॉलम के साथ ही, और ये सेंटर में करने के लिए इसको बीच में किया, ये हमने पहले लगा दिया था। ठीक है, अगर मैं बाद में लगा था तो फिर भी सही था, कोई मसला नहीं था। तो ये लेवल आज का कंप्लीट हो गया है, मैं आगे दबाता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया है लेवल, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको। तो ये वीडियो थी मेरी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, फ्लैक्स प्रोगी के हिसाब से ये मेरा जो टोटल था ये तीसरा था मेरा, तो पहला जो है मेरा फॉर्म था, दूसरा मेरा टेबल था, और तीसरा मेरा जो है फ्लैक्स प्रोगी का प्रोजेक्ट था। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मोहम्मद वैस एनिमेशन एंड कोडिंग, एनिमेशन मेरी खुद की अपनी होगी और कोडिंग मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वक्त मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वा अला आलिका वा सहाबिका या हबीबल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।